ट्रांसपोर्ट सेल के अध्यक्ष मनजीत सिंह घबरोल को है शिवसेना भाजपा की जीत की उम्मीद। लहर तो देखिए पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लहर है। तो जो 2014 में एक लहर कहा जा सकता था, अभी वो लहर इस तरह से बढ़ गई है कि वो लहर सुनामी में कन्वर्ट हो गई है। जो देश की जनता ने विकास के मायने जो अभी बरगलाने का काम कांग्रेस करती है, हमारा वो काम नहीं है। हमने विकास को विकास के तौर पे पेश किया है। हर घर में टॉयलेट, आप जाके पता कीजिए, पूरे भारतवर्ष में हर घर में टॉयलेट है, हर घर तक सड़क पहुंचाई है, हर घर तक बिजली है, हर घर में गैस कनेक्शन है, और एजुकेशन से ले कर सड़क से ले कर जो विकास का काम जो हमारे पिछले मैनिफेस्टो में था वो पूरा करने का प्रयास किया है। और इस वक्त जो पहले बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता जनता से वोट मांगते थे, आज जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए वोट मांग रही है। ये सुनामी नहीं तो और क्या है, बताइए। देखिए ये बात आपने अच्छी पूछी 15 लाख का, क्योंकि बहुत से चैनल पे चलती है, यूट्यूब पे हम देखते हैं कि 15 लाख सबके खाते में डाल दी जाए। आज भी मोदी जी ने जो वो 15 लाख रुपए का जिक्र किया था, वो आप देखिए उस वीडियो में मोदी जी ने एक कहावत कही थी कि विदेश में इतना काला धन हमारा लोगों का पड़ा है, ब्लैक मनी इतना पड़ा है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर वो काला धन भारत में आ जाए तो सब इतना होगा कि सभी के खाते में 15-15 लाख जैसे डाला जा सकता है। मतलब मोदी जी ने ये कतई नहीं कहा था, आप वीडियो चेक कर लीजिए, मोदी जी ने ये कतई नहीं कहा था कि मेरी सरकार आने के बाद मैं आपके बैंक में 15-15 लाख रुपए डाल दूंगा। ये बहकाने का काम, झूठ फैलाने का काम जो है कांग्रेस और उसके साथी कर रहे हैं, या जो लोग गुमराह हैं वो कर रहे हैं। मोदी जी ने बताने का ऐसे प्रयास किया था कि विदेश में इतना काला धन है कि अगर वो लाया जाए तो इतना होगा कि हर आदमी को 15 लाख रुपए मिल सकता है, वो ये था। ये वो जो मनसे ने अगर फैसला किया है वो उनकी अपनी इच्छा है और उनकी मर्जी है, किसी को भी दे सकते हैं, कांग्रेस और एनसीपी को। पहले तो कांग्रेस का वर्चस्व नहीं रहा, फिर एनसीपी का कोई वर्चस्व नहीं रहा, और मनसे का तो पहले से कोई वर्चस्व नहीं है, क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो लोगों को मारना, ये करना, गुंडागर्दी करना, उनको पता है वो चुन के नहीं आ सकते, इसलिए उनका कोई एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया उन लोगों ने। तो जब उनका जनाधार ही नहीं है तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जो पहले दो जिनको सहयोग दे रहे हैं उनका भी जनाधार नहीं है और सहयोग देने वाले का भी जनाधार नहीं है। तो अभी जो जनाधार है वो मोदी जी के पीछे जनाधार है। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारतवर्ष की जनता ने आशीर्वाद दिया है, मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, और इस टाइम लहर नहीं तूफानी है, बहुत ही भारी मतों से ज़्यादा सीट्स भारतीय जनता पार्टी की पूरे भारतवर्ष में आएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ये जैसे ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर तो एक ऐसा है कि ये लोग मुद्दा बनाते रहे कि फ्यूल का जो पेट्रोलियम का भाव बढ़ा कम हुआ, इस ये पेट्रोलियम के भाव तो कांग्रेस के भी सरकार में ज़्यादा और कम होते रहे, जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट का जो प्राइस वहाँ से डिक्लेयर होता था। ये अलग बात है कि उसके ऊपर जो टैक्सेशन सब्सिडी वगैरह ये वो देना, इस तरह के प्रयास, मैं ये मानता हूँ कि पेट्रोल के दाम ज़्यादा होने से बहुत सारी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसी तरह से ये सब चीज़ें बैलेंस भी हो जाती है, कोई भी व्यापार कम नहीं हुआ। आज ट्रांसपोर्टर्स का तो शुरू से हम सुनते आए हैं कि कोई भी लोगों को ऐसे होता है कि भाई उनका वर्स्ट होता रहा या बढ़ता रहा, फिर भी आज ट्रांसपोर्टर रोटी तो खा रहे हैं। उन्होंने टोटल अपना व्यवसाय बंद नहीं किया, हर इंसान अपना एक पैरामीटर बना लेता है कि मेरे चार्जेस ये रहेंगे अगर मेरे को पेट्रोलियम ये भाव में पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके जो भी इफ़ेक्ट हुआ वो दूसरी जगह उन्होंने प्राइस बढ़ा के लिए होंगे, और ये एक मजबूरी भी है, क्योंकि बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम भारत सरकार की जो पेट्रोलियम है उसके ऊपर निर्भर रहती है। इसमें कुछ गुंजाइश कम रहती है, क्योंकि भारत की तरक्की के लिए दूसरे एक्सपेंसेस हैं, जो फ्री में हॉस्पिटल्स, फ्री में दूसरी तीसरी चीज़ चलानी है तो यहाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में ये जो पूरी गाड़ियाँ वगैरह हैं इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी, इनकी खपत कम हो जाएगी, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। नहीं, मुकाबला तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि सामने जो
कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनका कोई जनाधार नहीं है। राहुल शिवाले जी बहुत तगड़े मतों से चुन के आएंगे। उनका काम और उनकी जो क्षमता है और जो पब्लिक के अंदर उन्होंने समय दिया है वो उनका रिजल्ट आएगा। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।